दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्थ न्यूज। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को लेकर अभी अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और ये जो अपडेट दी गई है वो नवाब मलिक के द्वारा दी गई है। जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीबी कोटे से मंत्री नवाब मलिक पिछले कुछ टाइम से लगातार समीर वानखेड़े के पीछे पड़े हुए हैं और लगातार उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। डेली कोई ना कोई एलिगेशन जो है उनके द्वारा समीर वानखेड़े के ऊपर लगाए जाते हैं, उसी तरह से आज फिर से समीर वानखेड़े के ऊपर नवाब मलिक निशाना साधा है। और अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उनके द्वारा सीधा सीधा समीर वानखेड़े के ऊपर निशाना साधते हुए बोला गया कि समीर वानखेड़े जो है वो 10 करोड़ रुपए के कपड़े पहनते हैं। आप सोच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ कपड़े की बात किया है इन्होंने, इनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया है कि 10 करोड़ रुपए की कपड़े जो है समीर वानखेड़े पहनते हैं, उनके जूते जो है वो 2 लाख रुपए के होते हैं और साथ में ही जो शर्ट हैं जो पिछले कुछ दिनों से वो पहन रहे हैं उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। ये सीधा सीधा इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया कि क्या एक ईमानदार ऑफिसर जो है वो इतने महंगे कपड़े पहन सकता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है समीर वानखेड़े नवाब मलिक के द्वारा। नवाब मलिक ने कई बड़े आरोप लगाते हुए उनके द्वारा ये भी बोला गया कि समीर वानखेड़े ने टोटल 1000 करोड़ रुपए का वसूली किया है। ये भी आरोप जो है नवाब मलिक के द्वारा लगाया गया। इस इंटरव्यू में उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि टोटल 1000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की वसूली जो है समीर वानखेड़े के द्वारा की गई है और उनके द्वारा जितने भी आरोप अभी तक लगाए गए हैं उस पर वो आज भी कायम है। यानी कि जो उनके द्वारा फोटोज लीक की गई, जो भी उनके द्वारा सर्टिफिकेट लीक की गई, सारे के सारे जो भी इल्ज़ाम उनके द्वारा लगाए गए हैं उस पर वो आज भी सहमत हैं और आज भी उसी पे डटे हुए हैं, वो पीछे नहीं हट रहे हैं। और समीर वानखेड़े के ऊपर जो भी इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो सारे के सारे सही है, ऐसे आरोप जो है उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा कि इनके द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं। लेकिन आपको बता दूं कि इसके अलावा उन्होंने ये भी जोड़ा कि समीर वानखेड़े के जो कपड़ों की कीमत है, मतलब 50 लाख रुपये का शर्ट, 10 करोड़ रुपये के जो कपड़े की कीमत बता रहे हैं उसके भी इनके पास सबूत है के द्वारा बोला गया, जो कि वो कुछ दिनों में पब्लिक के सामने शेयर कर देंगे। अब देखते हैं जब इनके द्वारा वो एविडेंस शेयर किए जाएंगे कि आखिरकार उनके कपड़े इतने महंगे हैं भी या नहीं हैं। ये जब इनके द्वारा एविडेंस शेयर किए जाएंगे तभी पता चलेंगे। बाय द वे, इस पर आपका क्या ओपिनियन है? नवाब मलिक ने जो आज फिर से एक एलिगेशन लगाया 10 करोड़ रुपए के कपड़े को लेकर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।